Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfers. So, as in previous lecture, we completed applications of arrays. Today, we are going to start with functions. So, as we have studied in the C programming about functions, we are going to revise functions for basics of C++ and some new topics about the same that are introduced in C++. So, firstly, introduction. तो हमें पता है फंक्शन इज़ अ सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क. मतलब कि फंक्शन एक वो डाटा टाइप है जिसके अंदर जो हमारा डेटा है वो बेसिकली एक कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड जिससे हम कुछ टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं. तो इसके जो हमारे C++ में फंक्शंस होते हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन जिनको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इन द लाइब्रेरी ऑफ C++. और हम जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं, उनको खुद ही डिक्लेयर भी करते हैं और डिफाइन भी करते हैं. तो कुछ एग्जांपल है लाइब्रेरी फंक्शन के, जैसे कि स्क्वायर रूट, कॉस, साइन, ये सब प्रेजेंट होते हैं हेडर फाइल math.h में. वैसे अब जैसे कि मेन फंक्शन है वो एग्जांपल होता है एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन का. और भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं और हमें बट उनका नेम देना होता है और उनको फिर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं. और फंक्शंस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उससे अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं. और इससे क्या होगा, हमारा एक तो प्रोग्राम में टीम वर्क कर सकते हैं हम, मतलब कि कोई कुछ पार्ट डिज़ाइन कर रहा है, कोई कुछ पार्ट डिज़ाइन कर रहा है. और दूसरा, इससे हमारा कोड है वो ऑर्गेनाइज लगता है. सो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम अपने कोड को लिख सकते हैं और इससे कॉम्प्लेक्सिसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है. तो सबसे पहले तो हम फंक्शन के को जब भी जनरली हम लिखते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन करते वक्त हम उसका डेटा टाइप यहाँ पे उसकी रिटर्न वैल्यू की टाइप है कि जो हमें उससे रिटर्न एक्सप्रेशन मिलेगा वो किस टाइप का होगा. फिर उसका नेम, देन उसके डाटा टाइप और डाटा टाइप का आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप. तो हम ऐसे करके जितने भी हमें आर्ग्यूमेंट्स देने हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हम चलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट पे. रिटर्न स्टेटमेंट होती है कि हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं और ये कोई कंपल्शन नहीं है, हमारी मर्जी है. हम चाहें तो कोई रिटर्न वैल्यू ना भी हो फंक्शन की तो हम उस टाइम पे उसका जो टाइप होता है रिटर्न टाइप वॉइड ले लेते हैं. तो उसके अंदर हमें कोई रिटर्न एक्सप्रेशन लिखने की या फिर उसके रिटर्न वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती. तो अब हम सिंटेक्स पे चलते हैं. रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा ऐसे लिखी जाती है, रिटर्न फिर ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं, हम एक्सप्रेशन बिना ब्रेसेस के भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड होते हैं. फिर जैसे ही हमारी रिटर्न एक्सप्रेशन आ जाती है उसके बाद हमारा जो फंक्शन का सॉरी जो हमारा प्रोग्राम है उसका जो कंट्रोल होता है वो वापस से चला जाता है हमारी जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया था उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर. तो रिटर्न एक्सप्रेशन हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है उन केसेस में जब हमें कोई वैल्यू हमारे फंक्शन के थ्रू चाहिए, जैसे कि हम कोई दो चीज़ों को ऐड करा रहे हैं और हम उनका रिजल्ट चाहिए तो हम उसको रिटर्न करा सकते हैं उधर प्रिंट कराने की जगह. फिर हम उसको अपने प्रोग्राम में कैसे भी यूज़ करें वो हमारी विश है. और अगर हमें कोई एक्सप्रेशन नहीं देना तो हम खाली रिटर्न भी लिख सकते हैं, ये हम सिर्फ कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं कई बार. तो हमने जैसे यहाँ पे खाली रिटर्न लिखा हुआ है तो इससे क्या होगा, हमारा जैसे ही फंक्शन है वो जो नंबर है n वो लेस देन ज़ीरो होगा यानी कि नेगेटिव होगा तभी हमारा कंट्रोल उस फंक्शन से बाहर आके अपने मेन फंक्शन में वापस चला जाएगा. और हाँ, मतलब ये भी कंपल्शन है कि रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा फंक्शन के एंड में ही लिखी जाए, हम उसे कहीं पर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड. Also there can be n number of return statements. कोई ये नहीं है कि हमें एक ही return statement दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, कितनी भी हो सकती हैं, जितनी हमारे को requirement है हम उसके हिसाब से use कर सकते हैं. For example in this program we have used two return statements. First हमारी जब हमारा number divisible by 2 है यानी कि एक even number है, और second case में जब वो एक odd number है. अब कमिंग टू फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, इससे क्या होता है, हमारा कंपाइलर उसको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं एक कि हमारे फंक्शन में कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी और उसके अंदर उसका नेम क्या होगा.
if we do not determine the return type of the function, then by default it is taken as int. And अगर हमने जो argument है उनका return type specify नहीं किया तो वो भी by default int ही लिया जाएगा. Now coming to the calling of function and the formal and actual arguments. तो calling of function and call by reference, call by value, ये सब हमने डिटेल में किया है इन सी प्रोग्रामिंग. सो आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ व्यू. सो इफ यू वॉन्ट टू रीड एंड स्टडी इट इन डिटेल, यू कैन चेक दैट वीडियो. सो वी विल डिस्कस फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बाय दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे हमने इस वाले स्टेटमेंट में फंक्शन को कॉल किया है जो कि हमारा था फंक्शन स्क्वायर, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. तो यहाँ पर ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट हमने दिया है इसमें, ये हमारा है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हमेशा मेन फंक्शन के अंदर होते हैं और हम उनको पास, मतलब कि जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ज़रूरी है मेन फंक्शन हो, बट अगर किसी और फंक्शन में भी हमने किसी फंक्शन को कॉल किया है तो हम उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट है जो वो हम यूज़ करते हैं और वो पास होते हैं और वो कॉपी किए जाते हैं एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, मतलब कि जो हमने एक फॉर्मेलिटी के लिए लिए यहाँ पर एज अ डेमो, एज अ सैम्पल, ताकि हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर सकें. और यहाँ पर जो भी वैल्यू यूज़ होगी वो इस एक्चुअली में इस आर्ग्यूमेंट की है, इस वेरिएबल की. सो इसी पे बेस्ड हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है. हमारा एक प्रोग्राम होता है स्वैपिंग का, तो वो हम जब फंक्शंस के हेल्प से करते हैं तो हमें कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चेंज करते हैं हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में तो वो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं शो होगा कभी भी, क्योंकि दोनों की एड्रेस लोकेशन अलग अलग होती है. अगर मेरा कोई एक्चुअल वेरिएबल है ए, वो है स्टोर अगर किसी सेल में जो कि मान लो B1 है वो, तो जब मैंने उसके लिए एक फॉर्मल वेरिएबल लिया वाई, तो उसका उससे कोई वैसे लिंक नहीं होगा, उसमें जस्ट उसकी वैल्यू पास ऑन होगी. मान लो मैंने बी की वैल्यू, या ए था, ए की वैल्यू मैंने 10 ली थी, तो अब उस 10 की वैल्यू को मैं वाई में पास ऑन कराने के बाद अगर उसको मैं 10 से 12, 30 कुछ भी करती हूँ तो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. वहाँ पे हमारा जो ए है उसकी वैल्यू जितनी थी उतनी की उतनी ही रहेगी. सो जब हमें हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में चेंज कराना होता है तो हम उसके लिए या तो पॉइंटर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं या फिर रेफरेंस ऑपरेटर का. टॉकिंग अबाउट रिटर्न बाय रेफरेंस, तो रिटर्न बाय रेफरेंस क्या होता है? जैसे हम फंक्शंस यूज़ करते हैं तो हम हमेशा उनकी रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं जब भी हमें, मतलब कि कोई भी रिटर्न वैल्यू मिल रही होती है उस फंक्शन से. तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा ये फंक्शन है, तो इसने क्या किया, जैसे ही इसने एरिया कैलकुलेट किया, जब हमने यहाँ पे रेडियस को पास कराया इसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के इसके आर में, तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिली एरिया की जो हमने एक यहाँ पे एक एक्स के अंदर स्टोर कराई है. मतलब कि यहाँ पर हमारा x एक लोकल वेरिएबल है जिसमें हमने इसकी वैल्यू स्टोर कराई है. और अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पास ऑन कर देंगे जब हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आएगा इस a वेरिएबल को. एक्चुअली में हमने सिर्फ वैल्यू को कॉपी किया है, ये और ये वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं. बट जब हम रिटर्न बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं ए. मतलब जैसे हमने रेफरेंस के बारे में पढ़ा है कि रेफरेंस हमेशा एक निकनेम देने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि वो दोनों वेरिएबल फिर अलग अलग नहीं रह जाते, वो एक ही वेरिएबल के दो नाम बन जाते हैं और उनकी लोकेशन सेम रहती है. तो अब हम यहाँ पे रेफरेंस के साथ सेम चीज़ करने वाले हैं. तो उसके लिए एक बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल हम फंक्शन डिफाइन करते हुए अंदर यूज़ करेंगे उसे हमें पहले बाहर डिक्लेयर कर देना है ताकि वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाए, नहीं तो हम उसको एज अ रेफरेंस यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म होगी उसका स्कोप ही ख़त्म. तो अब हम इस फंक्शन में कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल लिया उसकी रेफरेंस है, इसलिए हमने पहले उसे एक ग्लोबल वेरिएबल के लिए डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, फिर हमने फंक्शन को डिफाइन किया. अब हमने फंक्शन को डिफाइन करने के बाद यहाँ पर मेन में से कॉल किया और हमने यहाँ पर एक वेरिएबल अलग ले लिया है एक्स. बट एक्चुअली में क्या होगा, जो ये वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमने एम्परसेंड लगाया, यानी कि ये हम क्या बताते थे यहाँ पर, रिटर्न टाइप. अब हमारा रिटर्न टाइप एक रेफरेंस बन चुका है इसके लिए,
हमारे x वेरिएबल के लिए। तो अब ये यहाँ पर जो a है वो अलग वेरिएबल ही रहा, वो उसी का एक और नेम बन चुका है, और जो भी इसका वैल्यू है वो नहीं रिटर्न कर रहे, हम पूरा का पूरा वेरिएबल ही इसको रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे ही x में कोई चेंज आएगा वो a में शो होगा, और a में कोई चेंज आएगा तो वो x में शो होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही लोकेशन पे ही है ना, तो वहाँ पे एक लोकेशन पे चेंजेस आएंगे तो दोनों के उसमें दिखेंगे हमको। और रिटर्न बाय रेफरेंस करते वक्त हम इसलिए इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि हम अपना जो फंक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं और जो हमारा वेरिएबल है उसको राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। तो बस हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब रिटर्न बाय रेफरेंस यूज़ करना है तो हमारा जो वेरिएबल हम यहाँ यूज़ करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन में रिटर्न करते वक्त उसे ग्लोबल बनाएंगे, और जो हमारी फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी उसके साथ एक ampersand उसको रेफरेंस बताने के लिए यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पासिंग बाय कॉन्स्टेंट रेफरेंस, मतलब कि हम जब वैल्यू को पास करते हैं हमारे फंक्शंस के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, तो एक तो हमने पासिंग बाय रेफरेंस पढ़ा था जिसमें हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट उनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की जगह एक रेफरेंस बना देते हैं हमारे ही वेरिएबल का एक्चुअल। तो अब कॉन्स्टेंट रेफरेंस में क्या होता है, जस्ट हम एक कीवर्ड लगाते हैं CONST यानी कि कॉन्स्टेंट, जिससे हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो फंक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, मतलब कि हम उसको वहाँ पे रेफरेंस तो बना ही रहे बट हमारी ऐसी रेफरेंस जिससे कि वो उसकी वैल्यू वेरिएबल की चेंज ना हो दे फंक्शन में, और अगर हम उसको फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं हमने तीन टाइप के पासिंग कराई है, पहले में हमने एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिया, दूसरे में हमने रेफरेंस, और तीसरे में कॉन्स्टेंट से पास कराया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए हैं, तीनों की वैल्यू अलग अलग है, और फिर पहले हमने एक बार उनको सिंपली प्रिंट करा लिया कि उनकी वैल्यू क्या है। अब हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर हमने ए और बी की वैल्यू चेंज कराई है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम ए जो था वो नॉर्मल एक्स, तो ए तो नॉर्मल फॉर्मल आर्ग्यूमेंट था तो हमारे एक्स में कोई चेंज नहीं आया, बट बी हमारा एक रेफरेंस था, तो जैसे ही हमने बी में चेंज किया तो हमारा वाई भी चेंज हो गया जब हमने उसको बाद में प्रिंट कराया। फिर जैसे कि सी हमारा जेड का एक ऐसा रेफरेंस था जो कि कॉन्स्टेंट था, इसलिए अब ना जेड में ना सी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। सो हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी कि कितनी वैल्यूज़ हम रिटर्न कर सकते हैं कॉल बाय वैल्यू फंक्शन से, तो हमने ये तो पढ़ा था कि कितनी भी नंबर ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकती हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू सिर्फ एक ही होती है। नाउ कमिंग टू द इनलाइन फंक्शंस, तो इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, इससे ना हम अपने जो हमारा कोड होता है उसके अंदर जो स्पेस बचाते हैं और टाइम भी बचाते हैं, मतलब कि जैसे हम फंक्शन में वैल्यू पास ऑन करते हैं तो उसके बाद हमारा जो वो कंपाइलर होता है ना, जब बिहाइंड द सीन वो काम कर रहा होता है उसको बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, लाइक कॉल करते ही उसको लोकल वेरिएबल एसोसिएट कराने पड़ते हैं, उनको लोकेशन देनी पड़ती है, बट जब हम इनलाइन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली ना फंक्शन कॉल कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन को कॉपी कर देता है, तो इससे उसका बहुत सारा टाइम बच जाता है, तो इससे टाइम और बर्डन कम हो रहा है, इसलिए इसकी मेन एडवांटेज यही है कि इट सेव्स एग्जीक्यूशन टाइम। बट एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब जिसका डिसएडवांटेज है कि इससे क्या हो रहा है, मेमोरी पे बर्डन पड़ रहा है क्योंकि हमने उसको कॉपी कर दिया अब वहाँ पे, तो जहाँ पे भी हमने कॉपी किया अब वहाँ की हमने स्पेस को ले लिया, और जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार उसको वो कॉपी करता जाएगा, तो हमारी जो मेमोरी है वो भरती जाएगी। तो इनलाइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें बस एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है इनलाइन, और फिर उसको बस हमने डिफाइन कर दिया, और जैसे हम उसको कॉल करेंगे तो कंपाइलर उसको कॉपी कर देगा इसकी डेफिनेशन को, हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। सो फंक्शन ओवरलोडिंग हमने स्टार्टिंग में भी समझा था, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि सेम नेम डिफरेंट पर्पस, तो हम इसमें क्या करते हैं एक ही फंक्शन एक ही नेम से डिफरेंट फंक्शन रख सकते हैं। ये किया क्यों जाता है, क्योंकि इससे हमारा एक तो टाइम बचता है नए नए नेम सोचने के लिए, और हम
अपना कोड ज़्यादा ही वो बना सकते हैं, रीडेबल, मतलब कि उससे पता चल जाएगा ना कि इस टाइप के फंक्शन से इस पर्टिकुलर टाइप का हम टास्क करा रहे हैं, ठीक है। बट अब इनमें हम फ़र्क कैसे करेंगे, हमने नेम तो सेम रख दिए, तो कुछ इनके आर्ग्यूमेंट्स में फ़र्क होता है, या तो उनके नंबर में डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हो गया और यहाँ पे दो, या फिर इनके टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे है भी, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट तो चलो सेम है बट दूसरे में ये एक फ्लोट है एक इंट है, बट जो हमारा चेकिंग है कि कौन सा वाला कौन सा फंक्शन कॉल किया है, तो हम उसमें कभी भी फंक्शन टाइप पे नहीं जाएंगे, मतलब कि रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता, हमारा सिर्फ मैटर करता है पैरामीटर्स, तो हम पैरामीटर चेक करेंगे, या तो पैरामीटर की उसमें टाइप में डिफरेंस होना चाहिए या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में। सो हम जब भी हमारा कंपाइलर एक ओवरलोडेड फंक्शन में कॉल मैच करने की कोशिश करता है तो वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। तो फर्स्टली वो क्या करता है कि जो टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हैं उनको चेक करता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से कि अगर एग्जैक्टली मैच हो जाए, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो वो यूज़ करता है इंटीग्रल प्रमोशन। तो इंटीग्रल प्रमोशन क्या होता है, इट्स लाइक अगर हमारे पास जो छोटे प्रायोरिटी के वो होते हैं हमारे डेटा टाइप्स उनको हायर प्रायोरिटी में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि कैर को इंट में, फिर जैसे अब हमारे पास एक इंट का और एक डबल का है तो कैर के लिए हम इंट वाले को कॉल कर लेंगे, जैसे एक फ्लोट वाला आ गया तो फ्लोट को डबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर फिर भी हमारा मैच नहीं हो पा रहा तो हम क्या करते हैं, कंपाइलर बिल्ट इन कन्वर्जन यूज़ करता है। वैसे इंटीग्रल प्रमोशन भी बिल्ट इन कन्वर्जन का ही पार्ट है, पर बिल्ट इन कन्वर्जन में और भी कुछ कन्वर्जन इन्वॉल्व होते हैं। पर अगर फिर भी मैच नहीं हो रहा तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या कोशिश करता है कि वो दोनों इंटीग्रल प्रमोशन और यूज़र डिफाइंड प्रमोशंस कॉम्बिनेशन यूज़ करके किसी भी तरह मैच फाइंड आउट करें। नाउ वी नो रिकर्शन इज़ द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, तो हम इसे अच्छे से कर चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में, सो यू कैन चेक दैट वीडियो। सो दैट इज़ ऑल फॉर फंक्शंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद आवर स्ट्रक्चर एंड यूनियन। टिल देन कीप लर्निंग।